अस्सलाम वालेकुम। क्लिनिक जाने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने ब्लैक ड्रेस पहना है। सब लोग अपने अपने कामों के लिए चले गए हैं, बस मैं ही लेट हो रही हूँ। तो क्लिनिक से वापस आकर आज मैं आपको अपनी शू कलेक्शन दिखाऊंगी। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, और फिर मिलते हैं विद माय शू कलेक्शन। मामा जी, आओ ना इधर। क्या कर रही हो? वो आपने ये वीडियो ऑन की हुई है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो वी आर बैक। हम अपने अपने कामों से वापस आ गए हैं और मरियम आज शू कलेक्शन का व्लॉग अपलोड कर रहा ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। आई एम रियली टायर्ड। गुड नाइट यार मरियम, मैंने प्रॉमिस भी कर लिया था सुबह ही। गुड नाइट मरियम, इधर आ जाओ। चलो इधर आओ, खड़ी हो जाओ। बताओ अभी जूते इजाद कब हुए थे? 1996। जूता हमें नहीं पता कब इजाद हुआ था, लेकिन जब लोगों के पाओं में कांटे चुभने शुरू हुए थे ना, और लोगों ने धूप में लोगों के पाओं की तलियां जलनी शुरू हुई थी, तो ऑटोमेटिकली जूते बन गए होंगे। आई नो, मैं बता रही हूँ, पहले लकड़ी के जूते बनते थे। पहले लकड़ी के जूते बनते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ज्यादा अच्छे और कंफर्टेबल जूते जो है वो कपड़े के बनने शुरू हुए, और फिर उसके बाद जो है वो लेदर के बनने शुरू हुए। लेकिन ये है कि एक खास जूता होता है जो माओ का एक फेवरेट जूता होता है। मरियम उसको क्या कहते हैं? और वो जो एक परफॉर्मेंस होती है माँ की, उसको क्या कहते हैं? चित्रोल। यार तुमने ये बड़ा स्टाइल मारा है, हेयर स्टाइल। गाइस ये देखो, शी नो सो मेनी हेयर स्टाइल, लेकिन ये आपको बताती नहीं है। मैं लटाई तो लाइट वहां यार, आई थॉट ये हेयर किसी को आते हैं इसकी बनाने। ये देखो अब ये जरा सही लाइट में नजर आ रहे हैं। तो हां था पहले, अब ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। करो नीचे सर, देखिए सिखा दो ना। आई थॉट यू गाइस वुडंट लाइक दैट। मरियम को बहुत सारे हेयर स्टाइल, तो गाइस मरियम को बहुत सारे, अच्छा स्टॉप, मरियम को बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग, नहीं सॉरी, मरियम को बहुत ज्यादा अच्छे हेयर स्टाइल्स आते हैं। तो ये मैं कहूंगी कि डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग्स बनाए अपने हेयर स्टाइल्स के ऊपर, एंड मरियम दे शुड बी इजी और जल्दी बनने वाले, और जो बालों को डैमेज भी ना करें। तो हम अपने वैसे टॉपिक से हट गए हैं। सो हाँ, अपनी मैं आपको जूतों की कलेक्शन अपनी दिखा दूंगी, और आप टाइप्स ऑफ जूते बता दें कैसे कैसे कौन। मैं क्या एग्जाम हो रहा है मेरा, मुझे नहीं पता भाई टाइप के जूते। देखें गाइस, एक तो होते हैं फॉर्मल शूज जिसमें कोट शूज आ जाते हैं, और अगर आपने वेस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है तो उसके लिए डिफरेंट है। अगर ईस्टर्न ड्रेस पहना हुआ है तो हमारे लव देम, जैसे खुस्से हो गए या कोल्हापुरी चप्पल वगैरह, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा फिर सैंडल्स होती है, फ्लैट शूज होते हैं, बेलेज होते हैं, शूज भी कहते हैं उनको। हाँ तो एनीवे, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि जूते मतलब आपकी पर्सनैलिटी को बहुत एनहेंस करते हैं, और जब आप ड्रेसअप होते हैं तो। मैंने वोट आई हो आप गाइस, ये देखिए मामा, बाबा और ये मैं। बाबा किधर है? बाबा को क्या श्रिंक हो गया? नहीं बाबा, ये है, ये आप हो और ये मैं। पागल, ये बाबा, ये मामा, शट अप, ये मैं। नहीं, नहीं। हाँ परफेक्ट है, मैं इतनी पिस्ती सी नहीं हूँ। ये बाबा और ये मैं, ये बाबा है और ये मैं। यार बल्लू तुम इतनी भी छोटी हो, तुम इतनी भी छोटी, ये मैं नहीं, तुम ग्रीन दुपट्टे वाली हो। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है दुपट्टे वाली, ओ लड़कों की साली। अच्छा यार, सबसे पहली बात तो ये है कि जूता जो कंफर्टेबल हो ना, हमेशा वो ही लेना चाहिए। जो बात है, क्योंकि उसी से आप की जो है ना, वो मैक्सिमम कॉन्फिडेंस आ जाता है, और इंसान आराम से अपनी ओकेजन जो है वो अटेंड कर सकता है। इफ यू आर वेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस और आपने एक अनकंफर्टेबल सा जूता जिससे आपकी चाल में ही वो हो जाए, वो ना आप लें। और इट डिपेंड्स के कुछ जूते स्पेसिफिकली कुछ ड्रेसेस के लिए लोग कहते हैं, बट मेरे लिए ये नहीं है। मुझे लगता है कि जो जूता सूट कर रहा है ना उस वक्त, जो आपका दिल कर रहा है वो आप पहने। और बट सर्टेनली मैं ये नहीं कहूँगी कि आप शलवार कमीज के नीचे बूट पहनने शुरू कर दें। देर कुछ थोड़े से रूल्स हैं
लेकिन ज्यादा रूल्स वाली लाइफ मुझे पसंद नहीं है। जो भी चीज डिसेंट लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, वो कर लेनी है। कुछ सैंडल्स हैं, कुछ फ्लैट शूज हैं हमारे पास, कुछ बेले टाइप है, फीट भी मेरे फ्लैट हैं, और फिर कुछ उसके बाद कोट शूज हैं। एंड देन हम आपको मेन मेन दिखाएंगे जो हमें सबसे फेवरेट लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर से स्टार्ट ले लेते हैं और हम बताते रहते हैं शूज के बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल दीज आर फॉर्मल अच्छे वाले ब्रांडेड कोट शूज। दीज आर माय फेवरेट शूज। मेरे पास ब्लैक शूज नहीं थे, सो आई गॉट दीज। ये मामा को बहुत पसंद है ना मामा? जी हाँ। ये आई लव इसका ये वाला पार्ट। और अभी हम आपको पहन के दिखाते हैं मामा, एंड में पहन कर दिखाएंगे। चलो ठीक है, ठीक है। और इसी तरह से अच्छा, ये आप अपने फॉर्मल शलवार कमीज के ऊपर पहन सकते हैं, या आपने अगर अपना टाइट्स पहनी हुई है तो उसमें भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। ज्यादातर मैं तो ये कहती हूँ कि यार जो लॉन्ग शर्ट्स वाले ड्रेसेस हैं उनमें ये बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपने लहंगा गरारा या इस तरह का, तो उसमें मैं कहती हूँ कंफर्टेबल आप खुसा पहने, सो दैट यू कैन यू नो वॉक इजीली। वो हील फंस रही होती है उसके अंदर, तो और साड़ी के नीचे भी वैसे ये हील वाले शूज जो है ये अच्छे। मरियम ने अमेरिका से लिया था, एंड दिस इज अनदर वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी कम्फर्टेबल कोट शू। ठीक है ना, ये आप अपने किसी भी फॉर्मल ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये भी बहुत अच्छा लाइक अच्छा। फिर ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था दो के। इट इज नॉट अ वेरी वेरी कंफर्टेबल शू, लेकिन इसका कलर इतना यूनिक है कि ये किसी भी लाइट कलर के ड्रेस के साथ, व्हाइट के साथ, पिंक चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो, उसके साथ आप पहन सकते हैं। अच्छा गाइज, मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं मरियम कि ऑनलाइन कोट शूज नहीं मंगवाने चाहिए। अगर आपको वो कंफर्टेबली फिट नहीं है आपका, तो पाँव आपका छिल जाएगा। Exactly. तो इसलिए हमेशा कोट शू जो है वो उधर ही पहन के और थोड़ा सा चल के देखें और फिर लें। उसके बाद ये दिखाओ मरियम, ये सारे ओपन शूज हैं। ये आप मुख्तलिफ अपने मतलब बहुत ही कैजुअल जो आपने अपनी शलवारें कमीजें और एवरीडे वेयर के लिए जूते हैं वो ये हैं। चलो अच्छा, तो उसके अलावा फिर ये हैं, ये बेसिकली मामा के हैं, लेकिन ये मैं ज्यादा पहनती हूँ बिकॉज मामा को थोड़े छोटे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक अगर आप टाइट्स पहने ना और उसके नीचे पहने तो बिकॉज इट हैज लाइक इट्स लाइक बिजूद, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। पहन के दिखाओगी एंड में? ठीक है। फिर एक ये है कोट शूज टाइप, ये भी है ना? हाँ। ये भी बहुत अच्छा है, इसकी हील बहुत छोटी है, तो देर वेरी कम्फर्टेबल टू वॉक इन। हालांकि आई डोंट प्रेफर इतनी छोटी हील, लेकिन बिकॉज देर सो कम्फर्टेबल तो ये मैं बहुत पहनती हूँ। और इसका कलर भी बहुत न्यूट्रल सा है, तो ये भी हर कपड़ों के नीचे अच्छा। वैसे मैंने नोट किया कि जितने भी नाइन वेस्ट के जूते हैं ना, ये नाइन वेस्ट का है, दे आर वेरी कम्फर्टेबल। अच्छा, उसके अलावा फिर ये है चार्ल्स एंड कीथ। ये मैंने और आमना ने आपको दिया था ना जी, ये मदर्स डे के मदर्स डे पे हमने मामा को दिए थे। सिल्वर सा कलर है, हील भी बहुत अच्छी है, आई थिंक कंफर्टेबल भी है ना? बहुत कंफर्टेबल है। चार्ल्स एंड कीथ के हील्स भी बुरे नहीं होते। अगर आपने पाकिस्तान में ही कोई कोट शूज टाइप खरीदने, ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करने, तो फिर आप चार्ल्स एंड कीथ से खरीदें। इसके अलावा है ये भी बहुत अच्छी हील है। इस तरह की एक और भी हमारे पास जिसकी हील इस तरह की नहीं है, ब्लॉक हील है, बट ये बहुत स्टाइलिश। ये मुझे मेरी बहन ने कनाडा से वो आई थी, तो वो लेकर आई थी, एंड इट्स वेरी स्टाइलिश। उसके अलावा ये अमेरिका से लिए थे हमने, ये विंस कमूटो के हैं। ये बेसिकली अगर आप करीब से देखें तो इट्स स्नेक स्किन एंड इट्स सिल्वर। ये भी बहुत न्यूट्रल से हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और इसकी हील जो है ना, इसको हथियार के तौर पे भी मरियम यूज किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर कोई ब्रेक इन हो गया है, तो जरा दिखाना हील कैसे लगेगी ये। अच्छा, अब ये आप देखो ना, ये येलो जो है, अगर आपने येलो ड्रेस पहना हुआ है, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा यूज हो नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको पहनू ब्लैक कपड़ों के नीचे, व्हाइट कपड़ों के नीचे, और येलो कपड़ों एक्चुअली पिंक के नीचे यूज हो सकता है। येलो जूते खरीदे
ऊपर और आपने लॉन्ग कोट पहना हुआ है और हल्की सी ठंड है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मरियम जब भी आप डांस करती हो तो पीछे वॉल्स, हाँ वॉल्स वाला, does he do that? क्यों वॉल्स वाला आ जाता है? चलें जी, अब मामा आपको पहन के दिखाएंगी, उनकी मैं नहीं पहनती। अभी मैंने तो अभी तो मैंने और जूतों का भी बताना है ताकि खूब भर भर। ओके गाइस, तो अब हम आ जाते हैं ये नीचे। तो यहाँ पर मरियम के साथ के मेरे भी कोट शूज हैं एंड उसके अलावा मेरी चप्पलें हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये खुशों के साथ इस तरह की चप्पलें लेना जो कि बहुत ही पसंद। लाओ नीचे रखो, पहन के दिखाती हूँ जल्दी से। यार ये जो हमारी एक ये जो अच्छा फनी बात ये है कि मुझे इस तरह के जूते बिल्कुल भी नहीं पसंद। यार मुझे तो पसंद है, पटियाला शलवार पहननी भी हो या घघरी पहननी भी हो और उसके नीचे ये आपने पहनना हो, इट लुक्स अमेजिंग। और फिर उसके अलावा मेरे पास ये कुछ बूट्स टाइप है, ये जब मैं जाती हूँ ना सर्दियों में बाहर मामा इस तरह की वेयरिंग जीन्स और उसके ऊपर आपने अपना कोट पहना हुआ है सर्दियों में, ठीक है ना। और ये तो खैर क्लार्क के हैं विच इज अ वेरी गुड ब्रांड और कंफर्टेबल है, ये भी क्लार्क के हैं। ये जो है ये टॉमी हिलफिगर, हाँ जी ये टॉमी हिलफिगर के हैं। ये मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में बताया था कि ये मुझे बड़े अच्छे सेल पे मिल गए, ठीक है। एंड देन ये दो जो हैं ये पाकिस्तान से मैंने लिए हुए हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, इनकी मुकाबले के ही ये दे आर गुड एंड गुड। और मरियम ये है बोरजान, ठीक है, ये बोरजान शॉप है, वहां से ये 2500-3000 की रेंज में मिले थे, 2500-2500 की रेंज में मुझे मिले। अच्छा। या एंड दे आर वेरी गुड, बट ये भी मुझे लगता है आई गेस कि मैंने सेल पे लिए थे, लेकिन ये बूट्स ये नेसेसिटी है।